अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिशरा, आप देख रहे हैं बिशराज कोचिंग। तो हम आ गए हैं एग्जांपल नंबर 4 पे, जो कि है हमारे पास कैलकुलेशन अराउंड अ सर्कुलेशन अराउंड अ सर्कल। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने डिटेल्स है वो सारे लिख ली है, एफ लिख लिया, साथ में आर ऑफ एक्स आर ऑफ टी लिख लिया, साथ में लिमिट भी लिख दी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर ऑफ टी को जो है वो डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग डी आर बाई डी ऑफ टी लिख देंगे। तो कॉस के कॉस जब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आता है, माइनस साइन ऑफ टी आता है। एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा हमारा आई। एंड देन साइन के साइन से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन से हमारे पास आ जाएगा कॉस। एंड यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ टी जे। ठीक है, तो इसके मैं इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे देती हूँ। एंड नेक्स्ट, इस मार्कर में इंक नहीं है तो दूसरा मार्कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है तो फंक्शन को एविलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फंक्शन एक्स माइनस है, एक्स माइनस क्या है हमारे पास वाई। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, कॉज, एंड वाई की वैल्यू साइन है। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, हो जाएगा कॉज ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी। ठीक है, एंड देन आई है तो यहाँ पर हम लोग आई लिख देंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ जे। तो एक्स की वैल्यू क्या है, कॉज, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी प्लस कॉज ऑफ टी। एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास जे। तो मैंने फंक्शन को भी एविलेट कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास डबल स्टार। एंड दोनों इक्वेशन से हम लोग अपना फाइंड करेंगे क्या, सर्कुलेशन। तो चलिए इसको इरेज करते हैं एंड लास्ट के जो हमारी सॉल्यूशंस के जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास फंक्शन था एफ, हमने वो एविलेट कर लिया। देन हमारे पास था डी आर बाई डी ऑफ टी, तो वो भी हमने कर लिया। दोनों को आपस में साथ कर देंगे दोनों का, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ टी एंड ये हो जाएगा कॉज ऑफ टी। सही है, आई आई का हो जाएगा, कॉज कॉज का हो जाएगा, मतलब जे जे का हो जाएगा। एंड साथ में प्लस लग जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर टी प्लस कॉज स्क्वेयर टी। एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास टी। ठीक है, देन इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें फार्मूला चाहिए। एंड यहाँ पर लिख देंगे सर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 से 2 ऑफ पाई हमारे पर लिमिट है, ये हो जाएगा एफ। एंड साथ में डी आर बाई डी ऑफ टी एंड साथ में आ जाएगा डी ऑफ टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से 2 ऑफ पाई। एंड यहाँ पर जो हमने चीज़ें फाइंड की उसको लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ टी एंड कॉज ऑफ टी। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैंने 1 क्यों लिखा है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कॉज और साइन को एक कॉमन ले लें दोनों से। ठीक है, दोनों हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ये 1 के इक्वल है ना, तो बस मैंने यहाँ पर 1 के इक्वल लिख दिया, बाकी हमने कुछ भी यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, तो ये हो गया है। नाउ हमारे पास क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा डी ऑफ टी। सही है, नाउ हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रल। तो 1 का इंटीग्रल तो टी ही होगा, यहाँ पर हम लोग टी लिख देंगे। एंड ये हो जाएगा हमारे पास साइन और कॉस का इंटीग्रल, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 2 एंड लिमिट जो है 0 to 2π से जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, नाउ आगे जाते हैं, तो इसके लिए हमें इसको रेज करना पड़ेगा। आगे इसकी सोल्यूशन करते हैं, इसमें लिमिट पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास सर्कुलेशन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर थे, टी माइनस साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 2, 0 और 2π हमारे पास था यहाँ पर, जो हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे, वी विल गेट 2 ऑफ पाई। एंड 2 ऑफ पाई ही हमारे पास सर्कुलेशन है। एंड इसी के साथ हमारी जो एग्जांपल है वो सॉल्व हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।